हाय फ्रेंड, कुलविंदर कार टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमान का स्मार्ट 4G क्लाउड डैश कैमरा। आज में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग के साथ में इसको कैसे इसके यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करने का फंक्शन भी आपको मैं बताऊँगा किस स्टेप से इसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की तरफ में। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर में जो हमारा जो मोबाइल्स होते हैं, अपने मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू हम इसको हम ट्रैक कर सकते हैं और इसके फीचर्स को हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर में हमारा सपोर्टिंग जो होता है वो iOS और एंड्रॉयड दोनों सपोर्टेबल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो कैमराज की क्वालिटी होती है वो आपकी 1080 मेगापिक्सल क्वालिटी देता है, ठीक है। और इसमें आपका GPS ट्रैकिंग सिस्टम दिया होता है, टू वे टॉकिंग, आप इसमें बात भी कर सकते हैं इसके डिवाइस के थ्रू, ठीक है। और आपका इसमें जो आपका रिमोट जो बनेगा वो आपके मोबाइल के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट भी लगा सकते हैं। फिर आपका डुअल कैमरा होता है, फ्रंट कैमरा आपका 1080 मेगापिक्सल का होता है और रेयर जो होता है वो 720 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, ठीक है। और इसको हम इसमें आज हम आपको इस अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। ये बॉक्स में आता है इस टाइप से। जी हमारा फ्रंट कैमरा होता है, ये इसके पेस्टिंग होती है जो ग्लास के ऊपर हम पेस्टिंग होती है पीछे, जिसका हम माउंट करते हैं। और जो हमारी एक्सेसरीज जो दी हुई है, इसमें एक मैनुअल भी दिया हुआ है इसका, कैसे इसको यूज़ करना है पूरा मैनुअल में गाइड किया हुआ है। एक्सेसरीज में देखते हैं, एक GPS एंटीना है, ये वायरिंग है, सप्लाई वायर है इसकी, और ये हमारा रिवर्स कैमरा है। और मैं आपको इसकी यूज़ करना बताऊंगा कि स्टेप से इसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो वायरिंग है, हम इसकी वायर टू वायर को कनेक्ट कर देंगे। ये इसकी सप्लाई वायर है, इसकी जो ये वायरिंग दी होती है हमारी फ्यूज़ में डायरेक्ट लग जाती है। जो हमारा फ्यूज़ सेक्शन होता है गाड़ी के अंदर में, ये 12 वोल्ट सप्लाई का होता है, ये चाबी का होता है और एक हमारा अर्थिंग का होता है। ये तीन पॉइंट्स होते हैं, ये फ्यूज़ सेक्शन में हमारा लग जाता है। गाड़ी का जो फ्यूज़ सेक्शन होता है उस फ्यूज़ सेक्शन में डायरेक्ट इंस्टॉलेशन हो जाती है इसकी वायरिंग की, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको माउंट कर लिया पावर कनेक्टर के साथ में। ये GPS एंटीना लगा दिया है इसका, GPS एंटीना पिन टू पिन कनेक्ट कर दिया। ये हमारा अपना रेयर कैमरा लगा माउंट कर दिया कपलर के साथ में। और इसका एक सेक्शन जो बड़ा वाला सेक्शन होता है उसमें ये बड़ा वाला हमारा डिवाइस का सेक्शन होता है इस वाले का, ये मैंने इसमें फिट कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम उसको ऑन करते हैं। ये मैंने सप्लाई ऑन कर दिया, सबसे पहले से हमान लिखा हुआ आएगा डिवाइस में। और ये जो डिवाइस होता है इसमें पीछे क्लिप लगकर और ये हमारे फ्रंट के शीशे में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है इस चीज़ के अंदर में, ठीक है। इस स्टेप से हमारा ये हो गया फ्रंट कैमरा, ये हमारा व्यू दिखाएगा इसमें फ्रंट कैमरे का। इसमें हमारा यहाँ पे एक स्विच दिया होता है, एक होता है पिक्चर क्लिक करने के लिए, एक होता है हमारा इमेजेस चेंज करने के लिए। जैसे सपोज रिवर्स का डालना है, ये देखिए मेरा रिवर्स का व्यू, रेयर का व्यू दिखाएगा। और इसी से मैं अपना डिवाइस को ऑपरेट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक बारकोड आता है स्कैनर का, और इसके अंदर सेटिंग्स पूरी फीचर्स दिया होता है सेटिंग का। इस तरफ में एक में आपका सिम डलेगा, एक में आपका मेमोरी कार्ड डलेगा। जो मेमोरी कार्ड होता है वो आपका 128 GB तक का सूटेबल होता है क्लास 10 का,
इसमें आप क्लास 10 का रिकॉर्डिंग वाला स्पेशल क्वालिटी का होता है, वो मेमोरी कार्ड वो डालना पड़ता है। नॉर्मल मेमोरी कार्ड सेटिंग से वर्क नहीं करते हैं इसके अंदर में। तो क्लास 10 का आप यूज़ कर सकते हैं, 32 GB से लेके 128 GB तक का आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, हमारे यहाँ पे बॉक्स पे देखिए एक बारकोड दिया, सॉरी यहाँ पे एक बारकोड दिया हुआ है। इस बारकोड को अपने मोबाइल के स्कैनर के थ्रू इसको स्कैन करना है, ठीक है। स्कैनर वैसे आपका डिवाइस में भी दिया होता है, लेकिन अगर आप इससे डायरेक्ट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ, उस बारकोड को कैसे आपको स्कैन करना है। और दूसरा, आप इसके अंदर में एक 4G आप एक सिम डाल दीजिएगा, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्ड लाइव ट्रैकिंग करनी है या लाइव उसका व्यूज़ देखना है, आपको गाड़ी के अंदर में व्यूज़ देखना है उसका। तो एक आपको सिम डालना पड़ेगा, जिसके अंदर आप एक डाटा डाल के उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें डाटा होना चाहिए आपका सिम के अंदर में, 4G डाटा 4G सिम इसमें चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको उसका सेटिंग्स बताता हूँ कैसे उसको आपको ऑपरेट करना है अपने मोबाइल के थ्रू। ये मेरा स्कैनर है, अब मैं अपने मोबाइल से इसको स्कैन करूँगा। ये एप्लीकेशन है क्लाउड DVR के नाम से आएगी, इसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोडिंग फाइल हो रही है अपने मोबाइल पे। ये क्लाउड DVR की एप्लीकेशन फाइल मेरी चल रही है। इस टैब से आएगा क्लाउड DVR, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जी मेरा एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल हो गया है। और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, कई बंदे का तो फेसबुक पे से कनेक्ट कर देता है, नहीं पहले आपको क्रिएट अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो मैं अपना क्रिएट अकाउंट बनाऊंगा। अब हम इसको स्कैनर को अपने मोबाइल के इसमें चेक स्कैन करेंगे, जो डिवाइस का जो स्कैनर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना होता है, ये हमारा अब ये देखिए डिवाइस इससे कनेक्ट हो गया, और GPS भी हमारा यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा हुआ तो GPS भी हमारा वैसे इसमें स्टार्ट हो चुका है। और ये हमारा इसमें कैमरा दोनों दिखा रहा है, फ्रंट का और ये रेयर का, दोनों का कैमरा इसमें दिखाएगा। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये हमारा जस्ट मिनट, ये फ्रंट दिया, ये बैक है। यहाँ से अपने मोबाइल से इसको हम चेक कर सकते हैं, ये फ्रंट का है, ठीक है। करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जो अपना मोबाइल का जो वाईफाई वाला डिवाइस दिया हुआ है आपका, जस्ट अ मिनट, जो आपके मोबाइल का जो वाईफाई का जो डिवाइस दिया होता है, ये हमारे मोबाइल जो डिवाइस के अंदर में, यहाँ पे हमारा इसमें जो मॉडल नंबर दिया हुआ है, सॉफ्ट ऐप AP लिखा हुआ है, जैसे FXK3023N43, तो वो हमारा इसमें वाईफाई में हमारा ये डिवाइस शो करेगा FXK23। उसको हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद इसमें पासवर्ड डालेंगे अपने मोबाइल के अंदर में, 1234567 8, जो इसमें दिया हुआ है हमारे डिवाइस के अंदर में, ठीक है। इसमें पासवर्ड दिया हुआ, इसमें कनेक्ट करते ही हमारे यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा पर्सनल हॉटस्पॉट से अपने, ठीक है। अब ये कनेक्ट होने के बाद हम इसके क्लाउड DVR वाले ऑप्शन में ऐप में जाएंगे, और यहाँ पे हमारा ये फ्रंट कैमरा दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फ्रंट कैमरा, रेयर कैमरा जो भी करना है आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं इसको, फ्रंट और रेयर ऐप से आपको दिखाएगा, ठीक है। कुछ डिवाइस के जो फंक्शंस दिए होते हैं नीचे दिए होते हैं, इसमें मी में जाना है, मी से पहले जस्ट मैंने DVR में जाना है, DVR के साथ में यहाँ पे डिवाइस पे जाना है। डिवाइस में यहाँ पे देखिए, ये हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी हमारा ब्लेंडर डिवाइस अभी हमारा कनेक्ट नहीं हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सिम डालना पड़ेगा, ठीक है। सिम डाल के
यहाँ पे इसके हम रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी देखिए इसमें रिकॉर्डिंग एटीट्यूड वगैरह जो चालू हो चुका है इसका, ठीक है। और जो मोबाइल का सिम आपको मैं अभी डाल के दिखाता हूँ, उसमें सिम डालेंगे, उसके अंदर किस स्टेप से करना है सिम डालकर वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पे मैंने इसमें सिम डाल दिया है और सिम डालने के बाद यहाँ पे मेरा नेटवर्क दिखाना चालू कर देगा। यहाँ पे मेरा नेटवर्क दिखाना चालू कर देगा। अभी हम मुझे क्या करना है, अब इसको स्कैन करेंगे। अब हम इससे स्कैन करने के बाद ये हमारे यहाँ पे कनेक्टिंग करेगा डिवाइस। यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ आ गया DVR ऑनलाइन। अब हम ये ऑनलाइन कनेक्टिविटी हो गया मेरा इसमें, ठीक है। अब मैं इसको मैं अपना इसमें गाड़ी में बैठ के मतलब कहीं भी बैठ के अपना मैं चेक कर सकता हूँ अपना ऑनलाइन का इसको। और अगर हम जो भी कॉलिंग करना है टॉक टू प्रेस टू टॉक करके हम इसे कॉलिंग भी कर सकते हैं। गेट टू सेंडिंग द वॉइस कमांड, ठीक है। ये हमारा ऑनलाइन इसमें चालू हो चुका है। अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।